नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर ड्यू डेट फाइल नहीं किया है तो उसके क्या नुकसान होंगे, वही आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ड्यू डेट की बात करें तो जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है उनके लिए ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर, और जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है उनके लिए 31 जुलाई। अब आप यदि आप ड्यू डेट तक अपना ITR फाइल नहीं करते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होता है जो कि 1% पर मंथ होता है। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसके ऊपर 1% पर मंथ आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा। साथ में आपको लेट फी भी देना होगा, ये ध्यान रखिएगा, साथ में मतलब इंटरेस्ट भी लगेगा और लेट फी भी लगेगी। यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है आपको तो 1000 रुपए आपकी लेट फी होगी। इनकम अबोव 5 लाख है तो आपको 5000 की लेट फी लगेगी। और यदि आपकी इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट है तो कोई लेट फी नहीं लगेगी। यदि एग्जम्पशन लिमिट की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में हमारी एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपीज, तो यदि वहां तक आपकी इनकम है तो आपको कोई लेट फी पे नहीं करना होगी। सबसे बड़ा नुकसान होता है लॉस कैरी फॉरवर्ड का। यदि आपको कोई लॉस है और तो आप उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते यदि आप ड्यू डेट से पहले अपना ITR फाइल नहीं करते हैं। एक और नुकसान है आपको कि जैसे अभी आपके सामने ऑप्शन रहता है कि आप चाहें तो ओल्ड टैक्स रिजीम से रिटर्न फाइल करें या न्यू टैक्स रिजीम से फाइल करें। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम से फाइल करते हैं तो उसमें आपको बहुत सी डिडक्शन एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन आफ्टर ड्यू डेट आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको केवल न्यू टैक्स रिजीम से ही अपना ITR फाइल करना होगा। वहाँ आप अपनी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम से ITR फाइल करना होगा। इसलिए दोस्तों अभी भी टाइम है, आप अपना ITR फाइल कर दें, नहीं तो आपको ये सभी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।